एक्टर तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हुआ था। उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाजमी है। इनके पिता का नाम जमाल हाजमी है जो एक अभिनेता है और इनकी माता का नाम रिजवाना है। तब्बू की बहन का नाम फरानाज है। तब्बू ने 11 साल की उम्र में ही फिल्मी जगत में बाल कलाकार के रूप में की थी। तब्बू ने अपना करियर कुली नंबर 1 की मूवी से शुरुआत की थी जो 1971 में आई थी। तब्बू को मूवी विजयपथ से सफलता मिली। तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में प्रेम, साजन की बाहों में, हकीकत, हिम्मत, तू चोर में सिपाही, साजन चले ससुराल और जीत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1976 में तब्बू को मूवी माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक्टर तब्बू अपनी शादी न होने की बजाय अजय देवगन को मानती हैं। तब्बू बताती हैं कि अजय देवगन को 25 सालों से जानती हैं। वो उनके साथ बचपन से रही हैं। जब वो छोटी थी तो उनके कजिन समीर और अजय उन पर कड़ी नज़र रखते थे। अगर कोई लड़का तब्बू से बात करने की कोशिश करता था तो अजय देवगन उन्हें मारते थे और मारकर भगा देते थे। एक्टर तब्बू साउथ स्टार नागार्जुन के साथ 10 साल तक रिलेशनशिप में रही थी। तब्बू ने और नागार्जुन ने 2 तेलुगु फिल्मों में काम किया था। तब्बू नागार्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर सीरियस थी, लेकिन नागार्जुन शादीशुदा थे। नागार्जुन अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तब्बू ने अपना रिश्ता नागार्जुन से ख़त्म कर लिया और फिर तब्बू अकेली रह गईं। अभिनेत्री तब्बू की कुछ फिल्में हैं विरासत, बॉर्डर, माँ तुझे सलाम, जिंदगी खूबसूरत है, चीनी गम, हुतुतु, तच्छक, हेरा फेरी, चाची 420, बीवी नंबर 1, कोहराम, अस्तित, दिल पर मत ले यार, तरकीब, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, दशम, मिशिंग, अंधाधुन, भूल भुलैया, भोला और खूब पिया। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।